ओम शांति 27 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ था 31 दिसंबर को वो मल्ली आज रिपीट हो रही है बाबा हर वर्ष इकतीस दिसंबर को तो आते ही थे तो बाबा उसी संबंध में पहले सबको मुबारक दे रहे हैं और मुबारक में एक शब्द बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर और गॉड फादर दिल की दुआओं की मुबारक दे रहे हैं दुआएं दे रहे हैं भगवान और ब्रह्मा बहुत बड़ी चीज़ थी और सभी बच्चों को देख रहे हैं कि हर बच्चा कितना श्रेष्ठ और महान है महानता है पवित्रता है वो लोग तो भिन्न भिन्न तरह से नववर्ष मनाते हैं दीपक जला लिए गिफ्ट दे दी मुबारक दे दी बाबा तो लाखों चेतन जगे हुए दीपकों के साथ नववर्ष मना रहे हैं जिनकी आत्मज्योति जग चुकी है उनके साथ मना रहे हैं तुम्हारा नववर्ष मनाना तो मनाना माना बनना एक ही बाबा संसार है एक ही संकल्प है एक रस श्रेष्ठ स्थिति है ऐसा बनकर तुम मना रहे हो तो देखो बाबा भगवान की भाषा उसकी अलौकिकता ये अलग ही चीज है दुनिया इन बातों को नहीं जान सकती पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में बाबा बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं पुराना वर्ष पास्ट हो रहा है बारह बजे पूरा हो जाएगा नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तुम्हारा पास्ट जो हो गया है उसको ऐसे पास करो यानी उसको ऐसे जाने दो पास विद ओनर होकर इसका अर्थ बता रहे हैं बाबा कि जो कुछ पास्ट हो गया वो इतना सुंदर हो कि वो यादगार बन जाए उसकी स्टोरी लोग सुनाया करें वो गायन और कीर्तन के योग्य बन जाए देखो तुम्हारे नाम से भक्त अभी भी कीर्तन और गायन करके अपने परिवारों की पालना कर रहे हैं धन कमा रहे हैं तुम्हारा पास्ट यादगार बन जाए दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए इसको कह रहे हैं पास विद ऑनर हो कर जाने दो बिताओ उसको तो हम सब भी ये सीख लें कि हम क्योंकि वर्तमान ही पास्ट होता है तो अपने वर्तमान को इतना सुंदर बनाएं इतना अनुभव से युक्त बनाएं कि जब वो पास्ट हो जाए तो वो हमारे लिए भी यादगार हो जाए प्रेजेंट प्रेजेंट के दो अर्थ होते हैं वर्तमान भी और किसी को प्रेजेंट देना माना गिफ्ट देना तो तुम्हारा वर्तमान समय तो ऐसा हो कि जो भी तुम्हारे सामने आए वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट यानी गिफ्ट लेकर जाए स्नेह की दृष्टि स्नेह के दो मीठे बोल स्नेह की कल्याणकारी सुंदर भावनाएं या ज्ञान हमारे पास तो बहुत कुछ है ये सब लेकर जाए तो वर्तमान भी हमारा बहुत श्रेष्ठ हो जाए पास्ट हमारा श्रेष्ठ हो गया था अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तुम्हारे फ्यूचर फ्यूचर बना चेहरों से फ्यूचर दिखाई दे दो चीज बाबा कह रहे हैं एक हो नशा और दूसरी हो निश्चिंतता डबल लाइट स्वरूप हो डबल ताज हो तुम्हारे सिर पर हल्के पन का ताज और तख्त हो हल्के हो बहुत प्योरिटी का ताज भी और हल्के पन का ताज और जो तख्त है उसको बाबा कह रहे हैं तख्त नशीन की निशानी होती है नशा और निश्चिंत जीवन नशा क्या हो हमारी विजय निश्चित है माया पर विजय ये नशा रहे सदा ही वो बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं और निश्चिंत जीवन की झलक चेहरे से दिखाई दे ऐसा हो जाए हमारा फ्यूचर फ्यूचर होता जा रहा है हर पल पास्ट भी हो रहा वर्तमान भी है और फिर हम फ्यूचर में प्रवेश भी कर रहे हैं तो चेहरे पर नशा भी हो बहुत हल्कापन हो और निश चिंत जीवन हम जी रहे हैं ये सबको दिखाई दे फिर बाबा सेवा करने वालों को बहुत उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं सेवा हर साल सब लोग कर रहे थे विदेशों में भी विदेशों का ग्रुप बैठा था तो बाबा कह रहे आप सभी ने तन मन धन समय संकल्प उमंग उत्साह से बहुत सेवा की उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं तुम्हें अपने प्रत्यक्ष जीवन से बाप को प्रत्यक्ष करना है ये बहुत अच्छी बात कह रहे तुम दर्पण हो जिसमें बाप दिखाई देगा तो अपना जीवन ऐसा बनाओ जो सभी बाप का साक्षात्कार करते रहें बहुत सेवा की थी सहयोगी बनाए हैं उन्हें संपर्क में लाते चलो तो वो सहज योगी भी बन जाएंगे तो बाबा सेवा करने वालों का भी उमंग उत्साह बहुत बढ़ाते हैं और कह रहे हैं जो सेवा के फील्ड में हैं चाहे पांडव हैं या शक्तियां हैं वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि सेवा भी किसकी कर रहे हैं भगवान की बाबा याद दिला रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार कितना श्रेष्ठ है इसके साथ तुम वर्ष मना रहे हो तो सेवा से शक्ति भी मिलती है खुशी भी बहुत होती है तो बाबा उन सब का उमंग बढ़ा रहे हैं अब टीचर्स से मिल रहे हैं निमित्त टीचर्स चाहे वो भाई हैं या बहनें हैं क्योंकि विदेशों में भाई भी बहुत सेवा केंद्र चलाते हैं चाहे इंडिया की टीचर हैं बाबा कह रहे सब समान है कोई भेद नहीं है तो तुम सभी को अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है विशेष रूप से शक्तिशाली लाइट हाउस बनना है तो सेवा की सफलता सहज होगी बहुत ही सुंदर शब्द है और फिर सभी टीचर्स को बाबा ने कुछ शिक्षाएं भी दी तीन बातें कह रहे हैं संस्कारों का मिलन करना है बहुत जरूरी होता है ताकि टकराव ना हो संस्कारों का कहीं भी संगठन में पूरी यूनिटी हो और संतुष्टि हो इससे सेवा बहुत जल्दी वृद्धि को पाएगी तो जैसे सब कहते हैं ज्ञान एक है इनका ऐसे ही सब ये भी कहें ये संस्कार मिलाने में भी नंबर वन है तो ये बहुत सुंदर शिक्षाएं न केवल टीचर्स के लिए लेकिन हम सब के लिए है हम स्वयं को पहले परिवर्तित करें समाने की शक्ति रखें तो दूसरे भी शीतल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी सीख है ये हम सब के लिए आज का वरदान है अपने हर सेकंड और संकल्प को मूल्य देते हुए व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव हमारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है एक एक सेकंड पद्मों की कमाई कराने वाला है हमारा एक एक संकल्प भी बहुत महान है एक संकल्प ऐसे ही अगर गंवाया तो पद्मों की कमाई भी नष्ट कर देता है व्यर्थ बढ़ा देता है तो हम इन दोनों को वैल्यू देंगे तो अनमोल रतन बन जाएंगे स्लोगन है जो सदा योग युक्त हैं वे सबके सहयोग का अनुभव करते हुए विजयी रतन बन जाते हैं तो आज सारा दिन हम अपने को मूल्यवान रतन महान और श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे और हमें अपनी विजय में कितना विश्वास है कि हमारी विजय निश्चित है माया पर विजय हम कितना निश्चिंत जीवन जीते हैं इसकी चेकिंग करेंगे और मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ बिल्कुल निश्चिंत जीवन संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूँ ये सारा दिन अभ्यास करेंगे और नव वर्ष में प्रवेश करेंगे कुछ दिन के बाद तो नई उमंगों के साथ ऐसे ही सुंदर विचारों के साथ प्रवेश करेंगे ओम शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब Subscribe us on youtube.com/slash TV peace of mind. Just a click for a peaceful life.